आप देख रहे हैं कुबेर भूमि, मैं हूं आपके साथ हर्षिता। एक तरफ सरकार रिकॉर्ड धान खरीदी की ढोल पीट रहे हैं, वहीं धान खरीदी केंद्रों में धान रखने की भी व्यवस्था नहीं दिख रही। इस समस्या का प्रमुख कारण समय पर निरंतर रूप से धान का उठाव नहीं होना है। राजनांदगांव जिले के अंतिम छोर वनांचल क्षेत्र के सालेवारा और रामपुर कोपरो धान खरीदी केंद्र में जगह के अभाव में जाम की स्थिति निर्मित हो गई है। वहीं धान रखने के लिए पर्याप्त जगह नहीं होने के कारण किसानों को भी परेशानियां होते हुए साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। किसान खुद बता रहे हैं कि पहले वो टोकन काटने के बाद एक घंटे में धान बेच लेते थे और अभी सुबह से शाम तक धान बेचने के लिए बिना खाए पिए बैठे रहते हैं। पिछले वर्ष धान का उठाव नहीं होने की वजह से सरकार को बहुत ही बड़े मात्रा में नुकसान उठाना पड़ा था और आज भी उठाव ही सरदर्द बना हुआ है। देखना है खरीदी किए गए धान को सरकार समय से उठा पाते हैं कि नहीं। साथ ही सरकार के तय तारीख के मुताबिक लगभग 8 दिन और खरीदी करना है, जहां अधिकतर समितियों में लगभग 30% किसानों का धान खरीदी करना बाकी है, जो भी एक है चिंता का विषय है। अमर बारदाना देख रहे किसान मन, किसान मन के बारदाना उठाव का स्थिति, उठाव की स्थिति बहुत एकदम शून्य के बराबर है। इतना हमारी जगह भी छोटे है और हमार जो बफर लिमिट है वो 3500 के हैं, 3500 कुंटल के, लेकिन यहाँ देखा तो आप मना कम से कम 22-23 हजार कुंटल पड़े हुए। वर्तमान में जिन पानी गिरी से भी लगातार 6-7 दिन तक है, उसमें कुछ समस्या है नुकसान के लिए? नुकसान तो नहीं हुआ भैया, भक्के से पाल है, पाल पत्ती रखे हुए कतेक दिन बचे खरीदी? खरीदी भी अभी 21 तारीख तक खरीदी कर रहे हैं। टारगेट पूरा हो जाएगी? टारगेट तो हो जाना चाहिए। उठाओ जाम की स्थिति में आप उच्च अधिकारी लग कुछ अवगत कराए हो? परेशानी 2-3-4 बार हो गई है अवगत कराए। हमाल के परेशानी बताते रहे हो का कर? हमाल के क्या है, हमारे यहाँ 18 जन के सुनिश्चित कर रहे हैं, हमाल हमारा 18 जन लगी करके, लेकिन बीच में शुरू दिन में एक दिन खरीदी करें, 5 हमाल नहीं कर सकन भैया, हम चले गए। हमाल कम हो के वजह का है? मेहनत नहीं करना चाहते थे कहीं, उखर कम होने से कुछ परेशानी हुई, उखर कम होने से भैया खरीदी में परेशानी। अब खुद किसान मना तो उनके खुद ला के घर से तो उधर के लाके बेचारा मना। नाम हो? मैं संजय वर्मा, समिति प्रबंधक रामपुर। 68 किसानों की 3000 कुंटल समथिंग थी और लगभग ज़्यादा नहीं बचे हुए, आज की तो खरीदी संपन्न हो चुकी है। अब तक कितना खरीदी हो चुका है? अभी मेरे यहाँ 54981 कुंटल हुआ। और उठाव की क्या स्थिति है? उठाव तो अभी लगभग मेरे यहाँ उठाव 27,000 कुंटल का हुआ है और 27,000 कुंटल 758 किलो अभी भी पड़ा हुआ है। और मेन समस्या ये आ गई है कि हमारे पास जो जूट की बारदाना है उसकी जो छल्ली लगी हुई है वो जो है अंदर में हो गया है, और अभी हम लोग HDP जो प्लास्टिक बारदाना आया है शासन प्रशासन की ओर से, उसमें हम लोग 100% किसानों को वितरण कर रहे हैं और उसमें खरीदी हो रहा है। तो वो क्या हो गया है कि अब इसको सामने लगाना पड़ रहा है छल्ली को, पीछे तो पैक हो गया है जूट में, तो ये दिक्कत आ रही है। और जैसे टीओ भी है हमारे पास, ज़्यादा टीओ नहीं बचा है, लगभग 1900 कुंटल बस की टीओ है, तो टीओ के लिए गाड़ी भी आ जाएगी तो उसको लोड कराने की समस्या हो। बेमौसम बारिश जो अभी हुआ था 6-7 दिन तक लगातार, उसमें नुकसान की क्या स्थिति है? नहीं, हमारे यहाँ तो नुकसान की ऐसी कुछ बात नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पहले से हम लोग व्यवस्था कर लिए थे पिपाल की, और पूरी आप देख भी सकते हो अभी भी ढका हुआ है। अभी कितना खरीदी करना बाकी? अभी लगभग वही 8-9 हजार की और कुंटल की खरीदी हो सकती है। लगभग 6-7 दिन खरीदी असल अनुमान है कि बचा है जी, और टारगेट पूरा हो जाएगा खरीदी का? हाँ, मेरे यहाँ टारगेट लगभग 28 तारीख तक लगभग पूर्ण हो सकती है। नाम होता है? हाँ, मेरा नाम चालेश्वर यादव, पद समिति प्रबंधक, सेवा सरकारी समिति। नमस्कार, हम इस वक्त हैं सालेवारा के नचनिया धान खरीदी केंद्र में, जहां पर सबसे बड़ी समस्या अगर देखी जा रही है तो धान में उठाव की। आप देख सकते हैं हमारे आगे पीछे अगल बगल में यहां ऐसी स्थिति है, जाम की स्थिति है कि धान रखने का भी व्यवस्था नहीं है। आपको बता दें कि लगातार पिछले दिनों 6-7 दिन तक बारिश हुआ था, जिसमें अधिक नुकसान होने के अनुमान लगाया गया था। वो तो पहले से चेतावनी की वजह से और व्यवस्था की वजह से अभी तक उतना नुकसान नहीं होने की जानकारी मिली है, लगन वही स्थिति अगर फिर बनता है तो नुकसान बहुत भारी मात्रा में हो सकता है। आइए जानते हैं कि यहाँ की खरीदी के क्या स्थिति है, किसानों को खरीदी से क्या परेशानी है और यहाँ आने में, धान लाने में, ले जाने में क्या परेशानी हो रही है, बताइएगा भैया।
यहाँ पर जो है पहले हम लोग जब स्टार्टिंग में धान लाए थे तो स्थिति ऐसी थी कि हम सुबह 9 बजे लेके आए तो 11 बजे तक अपना तौला के घर जा चुके हैं हम लोग। इस टाइप का मतलब अच्छा था। अभी स्थिति ऐसे बन गई है कि हम सुबह से आए हैं, यहाँ पर जगह नहीं है, धान जहाँ तक पड़ा हुआ है दे उठा नहीं है, इसलिए हम लोग को सुबह से आए हैं अभी तक के यहाँ हम लोग का धान काटा नहीं हुआ है। किस कारण काटा नहीं हुआ? जगह ही नहीं मिल रहा है हम लोग को, गाड़ी खाली करने के लिए जगह नहीं है, काटा कर खींचने के लिए जगह नहीं है, इसलिए एक बारी बारी से हो रहा है, इसलिए हम लोग को दिन भर यहाँ रुकना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ के किसान भाई हैं जो जगह के अभाव के कारण समय पर धान नहीं बेच पा रहे हैं।